हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी मीडियम क्लास 12 फिजिक्स का नया चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। अभी तक हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गास का प्रमेय, कूलम्स लॉ। अब हमारा स्थिर विद्युत पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विद्युत विभव तथा धारिता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभव के बारे में कि एक्चुअल में विद्युत विभव क्या है, विभव का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये बात मैं लगभग अपने सारे वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझने का जो पहला कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, वो ये है कि उसमें जो टर्म यूज़ किए जाते हैं, उसमें जो साइंटिफिक वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसमें आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में विभव पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम धारिता पढ़ेंगे। इस तरह से हम इसको टू पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे विभव के बारे में। सबसे पहले अपन देखें कि विभव होता क्या है, विभव का मीनिंग क्या है। देखिए, विभव जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग एक अलग चीज होता है और उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा अलग चीज है। मीनिंग का मतलब होता है हमको यह समझ में आना चाहिए कि वास्तव में वो क्या है, वो क्या काम करता है। और डेफिनेशन तो क्या होता है, फार्मूला पर बेस्ड होता है, वो सूत्र पर आधारित होता है। इसलिए कभी भी आप ध्यान दीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको सबसे पहले उसका रियल सेंस पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में विभव है क्या। अब यहाँ पर हम रटा हुआ परिभाषा इसे विभव कहते हैं कर ले, इससे समझ में नहीं आता। आपको सबसे पहले समझ में ये आना चाहिए कि विभव का कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये क्या चीज़ है ये। तो विभव देखिए, मैं विभव को समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज अपने पास दो आवेशित पिंड है, ये चार्ज बॉडी है। सपोज ए और बी, ये टू चार्ज बॉडी है। ये चार्ज बॉडी को सपोज हमने 100 कूलम आवेश दिया हुआ है, 100 कूलम आवेश इसको दिया हुआ है। और सपोज बी चार्ज बॉडी है, उसको हमने 20 कूलम आवेश दिया हुआ है। इस प्रकार से दो स्वतंत्र आवेशित पिंड हैं, जिसमें से हम एक को 100 कूलम दे के रखे हैं, दूसरे को 20 कूलम दे के रखे हैं। अब हम एक कंडक्टर वायर से, एक चालक तार से ये दोनों को जोड़ देते हैं। सपोज इस तरह से हम इन्हें, इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको किया जाए। जनरली यदि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि भाई ए और बी दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि सर ए से बी में जाएगा। फिर मैं उनसे रीजन पूछता हूँ, भाई भाई क्यों जाएगा, तो उनका सीधा सा आंसर रहता है कि सर इसके पास 100 कूलम चार्ज है, इसके पास 20 कूलम चार्ज है, तो नेचुरली आवेश ए से बी में जाएगा। लेकिन यह आंसर सही नहीं है। कैसे, देखिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि विद्युत हमको दिखता नहीं, वो विजिबल नहीं है, इसलिए उसको हमको इमेजिन करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो हमको दिखे, होते हुए देखें, जैसे आप बल, गति, चाल, विस्थापन, दूरी पढ़ते हैं आप, तो सब आपको दिखता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कम्प्लीटली इमेजिनेशन पर है। इसलिए कभी भी मैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जब पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स ये बात जरूर कहता हूँ कि आप अपने इमेजिनेशन कैपेसिटी को स्ट्रांग करिए, आप थोड़ा सोच सकिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक विजिबल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सपोज ये एक वाटर टैंक है अपने पास और ये दूसरा वाटर टैंक है। ये टू वाटर टैंक मैंने यहाँ पर लिया, दो पानी का टैंक है और इसमें हमने वाटर यहाँ तक फिलअप किया हुआ है। और इसके पास है, सपोज ये ए टैंक है, ये बी टैंक है और इसके पास वाटर सपोज 100 लीटर है। 100 लीटर वाटर हमने इसमें यहाँ तक इसमें भरा हुआ है। और बी एक दूसरा टैंक है जिसमें वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ये लेवल है इसका, और इसमें 20 लीटर का वाटर भरा हुआ है। इस तरह से ये दो, जिस तरह से यहाँ पर मैंने 100 कूलम और 20 कूलम कहा, उसको मैं पानी का एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। अब ए और बी दो इस तरह से वाटर टैंक हैं, दोनों सेपरेट हैं, अभी दोनों कनेक्टेड नहीं हैं। अब हमने क्या किया, ये दोनों को एक पाइप से, दोनों में होल करके एक पाइप से हमको इंटरकनेक्टेड कर दिए, इसको हम इसमें जोड़ दिए। अब आपसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें वाटर ए से बी में फ्लो होगा कि बी से ए में,
तो निश्चित रूप से 100% स्टूडेंट्स का जवाब यहां पर होगा कि सर बी से ए में जाएगा। आप बोलोगे कि वाटर का डायरेक्शन बी से ए की ओर होगा, और मैं आपको रीजन पूछूं क्यों, तो आप क्या बताओगे, भी मुझे पता है, आप बताओगे कि सर बी में वाटर का लेवल हाई है और इसमें लो है। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, पानी की मात्रा पर डिपेंड, या किसी भी लिक्विड, पानी का मतलब कोई भी लिक्विड से हम, तो किसी भी लिक्विड का फ्लो होना उसकी मात्रा पर, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसके लेवल पर डिपेंड करता है। वाटर जो होता है हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, भले उसकी मात्रा कुछ भी हो। एग्जैक्टली यहां पर भी भले ही ए के पास 100 गुलाम आवेश है और बी के पास 20 गुलाम आवेश है, तो यहां पर हम नहीं बता सकते कि कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा, आवेश कहां जाएगा। जैसे यहां पर वाटर के लेवल ने बताया कि वाटर किधर फ्लो होगा, उसी तरह से यहां पर चार्ज के फ्लो होने का जो डायरेक्शन बताएगा वही क्या है, वही विद्युत विभव है या विभव है। मतलब विभव क्या हुआ, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं, जैसे यहां पर आपको बताया था कि इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, वैसे यहां पर मैं ये बता दूं कि इसके पास सपोज 20 वोल्ट का विभव है और इसके पास सपोज 5 वोल्ट का विभव है, और अब आपसे पूछूं कि आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में, तो आप अब यहां पर फ्रेंकली बता सकते हैं कि वो ए से बी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का विभव अधिक है और बी का विभव कम है। इस प्रकार विभव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है वह विभव कहलाता है। माने विभव का एक्चुअल वर्क क्या है, यह बताता है आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक है वह विभव होता है, और वह किस प्रकार से आवेश प्रवाह को बताता है कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार से पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से आवेश जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ सकते। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिगिनिंग से मेरा आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। इसके बाद आप मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। IIT JEE NEET का मेरा वीडियो आप देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन तब जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यह तो हो गया इसका मीनिंग कि आवेश, अब एग्जाम में आपको पूछेगा कि विभव किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में ऐसा नहीं लिखोगे कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है, ये तो मैंने मीनिंग बताया। अब हम इसका देखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा, और परिभाषा हमेशा सूत्र पर आधारित होता है। तो देखिए, अब हम इसका देखने डेफिनेशन। क्लियर। डेफिनेशन हम इसका जब देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि विभव निकालने का फार्मूला क्या होता है, और एक बार यदि आपको फार्मूला पता हो जाए तो आप उसी से उसका डेफिनेशन बता सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, देखिए, विभव को हम प्रदर्शित करते हैं V से, और V इक्वल टू होता है W/Q। ये विभव का सूत्र है, जहां पर W क्या है, वर्क, W फॉर वर्क हिंदी में कहेंगे कार्य, और Q क्या है, यहां पर आवेश है। इस प्रकार से आवेश है। अब कभी भी किसी भौतिक राशि का आपको परिभाषा बनाना हो और इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो सबसे आसान तरीका है कि उसके हर को आप इकाई मान लो। मतलब यहाँ पर मान लो मैं Q को इकाई मान लूँ। यदि मैं Q को इकाई मान लूँ तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में V बराबर क्या हो जाएगा, W, क्योंकि हमने Q को कम मान लिया, एक मान लिया, इस तरह से। तो इसको हम परिभाषा के रूप में क्या कर सकते हैं, एकांक आवेश पर जो कार्य किया जा रहा है वही किया गया कार्य क्या है, विभव है। इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या है, विभव है। लेकिन यहाँ पर हमको कार्य की प्रकृति बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह का कार्य, कार्य के बहुत सारे रूप हैं, तो किस तरह का कार्य, तो कार्य यहाँ पर किस तरह का है, यहाँ ध्यान दीजिए। सपोज ये मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और मेरे को एकांक धन आवेश को, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एकांक धन आवेश को हम क्या कहते हैं,
परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कांसेप्ट को समझते हैं। अब ये एकांक धन आवेश है और हमको, मैं तो यहाँ पर बोर्ड में इसका पोजीशन बना दिया, लेकिन वास्तव में उसका पोजीशन नहीं पता है, मतलब कहाँ है वो, अनंत में है, उसका पोजीशन निश्चित नहीं है। जिसका पोजीशन निश्चित ना हो, जिसको हम परिभाषित ना कर सकें, उसको अनंत कहा जाता है। तो मान लो इसको हमको कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है, मतलब अननोन प्लेस से लेके आना है। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, यही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगा, एक लाइन में आपको परिभाषा अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आप उसको सिचुएशन को दिमाग में बिठाइए। कभी भी हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप डेफिनेशन रटिए मत। वैसे हमारा सब्जेक्ट रटने का है ही नहीं है। यदि फिजिक्स को कोई याद करना चाहता है, कोई रटना चाहता है, तो बहुत गलत कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। आप फिजिक्स को इमेजिनेशन में लाइए, आप उसको कल्पना करिए कि क्या हो रहा है। जैसे मान लो मुझे विभव, जब मैं खुद विभव पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि एकांक धन आवेश है, कहाँ रखा है, अनंत में रखा है, और उसको हम पकड़ के विद्युत क्षेत्र में, सपोज ये क्लासरूम मेरा विद्युत क्षेत्र है, और इस क्लासरूम में मैं अननोन पोजीशन से एकांक धन आवेश को लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए जो मैं कार्य करूँगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्लियर? इस प्रकार से विभव का क्या परिभाषा हो जाएगा, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन जो आप इसकी सहायता से बनाएंगे। अब किसी भी भौतिक राशि के डेफिनेशन के बाद हम सबसे पहले क्या समझते हैं, उसका मात्रक। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि, हम भौतिक राशि ही उन्हीं को कहते हैं जिसको मापा जा सके, जिसका मापन संभव हो वही भौतिक राशि कहलाता है। क्लियर? तो अब यहां पर हम देखेंगे इसका मात्रक यूनिट। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट इसका मात्रक है, और यहां पर हम परिभाषित करेंगे एक वोल्ट को। सपोज हम यहां पर वन वोल्ट को परिभाषित करना चाहते हैं, एक वोल्ट को। मात्रक क्या हो गया इसका, वोल्ट हो गया, और हमको परिभाषा करना है एक वोल्ट का। तो ये जो सूत्र है अपने पास V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, यहाँ पर हम मान लें कि W क्या है, एक जूल है, W एक जूल है, और Q जो है वह एक कूलाम है, एक कूलाम है। क्लियर? अब W एक जूल है और Q क्या है, वन कूलाम है। तो उस कंडीशन में दोनों इकाई इकाई होंगे, तो वन अपॉन वन वन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वन वोल्ट हो जाएगा। इस तरह हम भी को क्या कहेंगे, वन वोल्ट कहेंगे। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक जूल का कार्य करना पड़े, हम एक कूलाम आवेश को लाना चाहते हैं कहाँ से, अनंत से लाना चाहते हैं, और विद्युत क्षेत्र तक लाने में सपोज हमको एक जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तब हम उसके विभव को क्या कहेंगे, एक वोल्ट कहेंगे। इस प्रकार से एक वोल्ट का परिभाषा किया जाएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में एक वोल्ट का परिभाषा कई बार दो नंबर का पूछा गया है, यूनिट्स के डेफिनेशन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, बोलेगा कि एक वोल्ट की परिभाषा लिखो, तो क्या परिभाषा हो जाएगा, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव क्या कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। क्लियर? तो हो गया विभव और एक वोल्ट का कॉन्सेप्ट। अब विभव के बाद हम समझेंगे विभवांतर। क्लियर? विभवांतर क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, विभवांतर माने विभव में अंतर। विभवांतर का क्या मतलब होता होगा, विभव में अंतर। तो किस प्रकार का अंतर है, यहां पर देखिए विभवांतर इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मेरा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, मेरे चैनल में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के फिजिक्स के लेक्चर अवेलेबल हैं। तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी, मतलब जो साइंटिफिक वर्ड यूज होते हैं, उनका इंग्लिश नाम मैं ज़रूर बताता हूँ। और आप लोग को भी मेरा सजेशन है कि जब मैं बता रहा हूँ आपको भी उसको लर्न करना है, क्योंकि आगे जब हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, आफ्टर 12th क्लास
आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी और डिग्री के लिए आप पढ़ाई के लिए जाएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। सारे टर्मिनोलॉजी आपके टीचर्स इंग्लिश में यूज़ करेंगे, इसलिए फ्रॉम वेरी बिगनिंग अभी से मेरा आपको सजेशन है कि आप पूरी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश, खासकर यदि आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश पुअर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ध्यान दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस और हिंदी में क्या कहेंगे अपन, विभवांतर। अब यहाँ हम समझते हैं विभवांतर क्या है। देखो मान लो हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु यहाँ पर बी है, दो बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु का विभव मान लो वी ए है और इस बिंदु का विभव मान लो वी बी है, यहाँ का विभव वी बी है, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव में जो अंतर होगा दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी, इसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर का सिंपल मीनिंग क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदु के विभव का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लेकिन ये तो इसका मीनिंग हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर विभवांतर का भी फार्मूला होगा W अपान क्यू, और इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा। तो परिभाषा हम कैसे करेंगे इसका, बस एक एक शब्द में बस अंतर है, अभी विभव में हमने क्या कहा, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कहां से, अनंत से। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब यहां पर दोनों बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, वहां पर एक बिंदु तो विद्युत क्षेत्र में है और एक बिंदु क्या है, अनंत में है, दैट मीन्स अननोन है, अज्ञात है, लेकिन यहाँ पर दोनों बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंतर है। क्लियर, जैसे मान लो एक कमरा मेरा एक विद्युत क्षेत्र है और इस कमरे में मैं एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊंगा तो मैं जितना कार्य करूंगा वही मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। दैट मीन्स विभव और विभवांतर में एक सिंगल वर्ड का यूज है, अंतर है, वहां हम बोलते हैं अनंत से, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, और इसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो आपको विभवांतर को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे जब आप मेरे धारा विद्युत का चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही टॉपिक होगा विभवांतर और विद्युत वाहक बल, दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विभवांतर समझने के बाद हम यहाँ पर विभव की गणना करेंगे बिंदु आवेश के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो यहां पर देखिए बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, विभव की गणना, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना हमको करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और बोर्ड एग्जाम में प्रायः क्वेश्चन आता है और इसमें जो फाइनल इक्वेशन डिराइव होगा उससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि बिंदु आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट चार्ज, तो बिंदु आवेश होता क्या है, बिंदु कहने का मतलब होता है बहुत छोटा सा चीज, लेकिन यहाँ पर बिंदु होने का मतलब कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी गोली पिंड है, स्फेरिकल चार्ज है, उसको हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। तो सपोज यहाँ पर एक हमने बिंदु आवेश की कल्पना की, सपोज ये बिंदु O है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और इस पर आवेश है मान लो प्लस क्यू। अब जब इसको हम आवेश देंगे तो कोई भी आवेशित पिंड क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, तो इसने भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया हुआ है और इसके विद्युत क्षेत्र में मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु को मैंने P कह दिया और इस बिंदु पर हमको विद्युत है इसका विभव का क्या करना है, गणना करना है। तो आपको पता है कि जहाँ पर हम विभव की गणना करेंगे वहाँ पर एकांक आवेश होना चाहिए, तो हम कल्पना करते हैं कि सपोज बिंदु P पर एकांक धन आवेश रखा हुआ है, क्लियर। अब हम सबसे पहले इस विद्युत क्षेत्र में दो पास पास में दो बिंदु की कल्पना करते हैं ए बी, और ए और बी के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं डी एक्स, कभी भी किसी भी वेरिएबल के सामने डी मतलब डिफरेंशिएट पार्ट मतलब छोटा पार्ट, और बी का जो दूरी है आवेश है
उसको हमने मान लिया क्या, x मान लिया, और सपोज यहाँ पर जो दूरी है उसको हमने r मान लिया या d मान लेंगे, दूरी कुछ भी मान सकते हैं आप, सपोज डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया। तो जिस बिंदु पर विभव की गणना करना है उसका दूरी कितना है, d है, और दो निकटतम बिंदु है a b, इनके बीच की दूरी क्या है, dx है, और b की जो दूरी है वो o से कितना, x है। अब इस फिगर को आप इसके नीचे में माना की करके आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फिगर का एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने डॉटेड करके छोड़ दिया, जिसको आप अपने शब्दों में नोट्स में लिख लेंगे, बाकी पूरा मेरा फेयर नोट्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे फेयर इसको कॉपी करेंगे, इसी हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। कंप्लीटली मेरा एक्सप्लेनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उस हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ। मतलब आप मेरे लेक्चर को बोर्ड से कॉपी करके कंप्लीट फेयर नोट्स बना के आप उसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला अपने को पता है, E इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4πε0Q/, इसकी दूरी कितना है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने लिख लिया बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम गणना करते हैं एकांक आवेश को, एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर। एकांक आवेश को हम बी से ए तक लेके आते हैं, तो एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं, और इसको हम कह देते हैं डी डब्ल्यू। डी मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट, मतलब अभी हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल रहे हैं, छोटा कार्य निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक, बी से ए तक। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल ही होता है, तो यह हो जाएगा बल, और गुणित विस्थापन हम कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, बी से ए तक, और विस्थापन कितना हो जाएगा, डीएक्स, ई इंटू डीएक्स। और यहां पर देखिए ये धन आवेश है, और हम जो ला रहे हैं एकांक आवेश वो भी क्या है, धनात्मक है। तो जब धन आवेश को धन आवेश की तरफ लाएंगे तो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये निगेटिव वर्क हो जाएगा, तो सामने माइनस चिन्ह लगा देंगे। दैट इक्वल, अब आगे इसको सॉल्व करें तो माइनस ई का मान यहां से ला के भर देते हैं, तो हो जाएगा 1/4πε0Q/x² (dx). ये हो गया एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन हमको क्या करना है, विभव की गणना करना है, और विभव की गणना में हमने परिभाषा में क्या देखा है कि एकांक आवेश को कहां से लाते हैं अपन, अनंत से लेके आते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या करेंगे, अनंत से, इसलिए एकांक आवेश को, इसलिए एकांक आवेश को कहां से, अनंत से, कहां तक, डी तक, क्योंकि डी दूरी माना है हमने, इसकी दूरी कहां से यहां तक क्या माना है, डी। तो एकांक आवेश को अनंत से डी तक लाने में किया गया कार्य ये निकाल लेंगे, किया गया कार्य, ये कुल कार्य है, तो W कह देंगे, और W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है योग। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये सब आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों पर आपका प्रॉपर कमांड नहीं है, वैसे इसको आपको 11th क्लास से पढ़ना चाहिए। तो मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करके, मतलब गणितीय अवधारणा को समझने के लिए 5 वीडियो बनाए हुए हैं, जो अलग अलग मैथमेटिक्स पर है। एक बीजगणित पर है, एक ट्रिग्नोमेट्री पर है, एक वेक्टर पर है, कैलकुलस पर है, ज्योमेट्री पर है। ये 5 वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे मेरे चैनल के, तो आपको वो मिलेगा, वहाँ से आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि इस तरह से इंटीग्रेशन वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट अप करते हैं, तो dW का वैल्यू जो ऊपर से लाए उसके यहाँ पर पुट अप, अच्छा देखिए कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से d,
तो इसका लोअर लिमिट निम्न सीमा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और कहां तक ला रहे हैं, डी तक, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा, डी। तो यहां पर लिमिट पुट कर देंगे और यहां पर हम इसके मान को पुट कर देते हैं, तो इन्फिनिटी टू डी, ये मान को भर दें, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे, दैट इंप्लाइज W इक्वल, इसका समाकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो बाहर आ जाएगा। तो x को छोड़ के देखिए कैसे पहचानते हैं अपन कांस्टेंट, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो x को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचेगा वो नियतांक है, उसको हम बाहर लिख देंगे, तो हो जाएगा क्या, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और q ये बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू टी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं, दैट इक्वल माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन किस फार्मूला से होगा, यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। यही सब समझने के लिए आपको मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो है वो देखना चाहिए, आप एक बार उसको देख लीजिए, अच्छा लर्न कर लीजिए, आपको अच्छे से तैयार रहेगा। देखो फिजिक्स समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है, मैथ्स है। यदि आपका मैथ्स पुअर है तो आपको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम आता है। तो जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है, टेंथ क्लास तक मैथ्स पढ़ाए होते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया है, आप उसको बिल्कुल देखना मत भूलिए, ठीक है, और उसको देख के आप एक बार फिर मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। तो इसका समाकलन का फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, ये फार्मूला भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो x का पावर ऊपर चला जाएगा, x टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा डी एक्स, और लिमिट कहाँ लिख देंगे, इन्फिनिटी से डी। अब इस सूत्र को यहाँ पर हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, माइनस टू है, तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर n है वहाँ माइनस टू हो जाएगा। दैट मीन्स हम इस फार्मूला को यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फार्मूला आप देख लीजिए, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। समाकलन होता है तो समाकलन का निशान हट जाता है और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये, और लिमिट को फिर हम यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी टू डी। जैसे ही समाकलन होता है समाकलन के निशान को हटा देते हैं और इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इक्वल माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस टू और प्लस वन क्या हो जाएगा, ये माइनस वन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x का घात माइनस वन होगा जिसको हम लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन एक्स, एक्स का घात माइनस वन जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी टू डी, दैट इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा रेड निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा, एक बटे डी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। दैट इंप्लाइज दैट इक्वल, अब आप देखो ये एक बटे अनंत क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य हो जाएगा और हमारा फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी। और अब आप देखिए कि अनंत से एकांक आवेश को अनंत से डी तक, और हमने स्टार्टिंग में आपको परिभाषा में बताया कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभव। तो अब हम इसको क्या कह देंगे, विभव, ये हो जाएगा विभव की का फार्मूला। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक हमने जो कुछ भी गणना किया है वो किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए किया है। इस चैप्टर के पहले आपको हमारे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर जो 5 वीडियो है वो तैयार होने के बाद, देखिए आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस जो 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस है खासकर इलेक्ट्रिसिटी का, वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। यदि आपने विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आप धारा विद्युत पढ़ेंगे, फिर धारा का आप चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, फिर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है वो स्टेप, बीच से आप कोई टॉपिक नहीं समझ सकते। इसलिए आप में से जितने भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसके पहले आपको वो 5 वीडियो आपको पहले कंसल्ट करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो यहां पर मैंने बताया था पहले के वीडियो में आपने देखा होगा क्या होता है परावैद्युत परावैद्युतांक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सपोज ये हमारा जो आवेश टू के के का गुणा हो जाएगा और q अपॉन d ये इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। मतलब आप साइलेंट आर्ट के साथ आपको क्या करना है k का गुणा करना है। ये है बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आपको फेयर नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार लिख लीजिए। इसमें आपको सिर्फ यहाँ को आपको माना के लिखना है, उसके बाद ये 100% आपका फेयर नोट्स है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो विभव को किसी भी भौतिक राशि को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने का क्या मतलब है कि उस फार्मूला में जो जो भौतिक राशि आया है उस भौतिक राशि पर हम डिस्कशन करते हैं कि भाई उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया है v = d, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा कारक उसको प्रभावित करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ द पोटेंशियल। विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां हम सबसे पहले अपने फार्मूला को देखते हैं कि फार्मूला v = हमने क्या पढ़ा 1/4πε0q/d इंटू के, यदि परावैद्युत पदार्थ में माध्यम में रखा गया है। तो अब आप 1/1 इसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई विभव को कौन कौन सा कारक प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला क्या प्रभावित करेगा, आवेश, और चूंकि वह अंश में है तो उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी भौतिक राशि अंश में होती है वो उसके समानुपाती होता है और जो हर में होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v = q। इस प्रकार से यहां से क्या पता चलता है कि आवेश को बढ़ाने पर विभव भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आवेश विभव जो है आवेश के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से क्या आपने को फैक्ट पता चला, यदि हम आवेश की मात्रा को बढ़ा दें तो विभव भी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है v = ये तो कांस्टेंट है, इस पर प्रभावित नहीं करेगा, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, नियतांक पर वो प्रभावित नहीं करता। तो d को देखें 1/d, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि दूरी को हम बढ़ा दें, 1/ मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो दूरी को बढ़ाने पर विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ आप शब्दों में एक्सप्लेन कर लेंगे कि दूरी को बढ़ाने पर, जैसे आवेश से हम उस बिंदु की दूरी को बढ़ाते गए तो विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तीसरा है v inversely proportional of k, क्योंकि k भी बटे में, मतलब यदि हम माध्यम में परावैद्युत पदार्थ ला दें तब भी उसका विभव क्या हो जाएगा, कम। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ, मान लो हमारा ये कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में हम कोई दूसरा चालक ले आते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक कॉपर का प्लेट ले आया। अब जब एक कॉपर का प्लेट को मैं इस विद्युत क्षेत्र में प्रविष्ट कराऊंगा तो विभव में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, जबकि इस फार्मूला में उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्य चालक की उपस्थिति में विभव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य चालक को लेके आते हैं तो विद्युत चुंबक की प्रेरण के कारण, इसमें माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश में कमी हो जाएगी। तो आवेश में कमी होने का विभव भी कम हो जाएगा। तो क्या फैक्ट पता चलता है अपने को, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव क्या होता है, कम हो जाता है। ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलना, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान कम हो जाता है। ये है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पूछता है तो इस तरह से पूछता है, जैसे 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा तो किस तरह से पूछेगा, विभव की परिभाषा लिखो, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करो, मतलब ये जो मैंने भी कैलकुलेशन बताया, तथा विभव को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो।
तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक में फिर आप ये चारों पॉइंट का उल्लेख करेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे विभव का भिन्न भिन्न स्थिति में विभव की गणना करना, जैसे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चैप्टर पढ़ा तो वहाँ पर भी हम अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करते थे। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर विभव के लिए भी करना है। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल पोजिशन या एक्सिस पोजिशन। अक्षीय स्थिति अपन किसे कहते हैं, ये सपोज यहां पर अपन ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और इसको ले लिए हम प्लस क्यू चार्ज। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया, मान लो 2a ले लिया और ये इसका मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट O है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ए भी a हो जाएगा। अब यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगा, इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो इस अक्षीय स्थिति पर यहाँ बिंदु P है जहाँ पर एकांक धन आवेश मतलब परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्लियर। इस तरह से यहाँ पर देखो इस बिंदु की हम यहाँ से दूरी ले लेते हैं मान लो r, ये यहाँ पर r दूरी है। अब हम बारी बारी से एक बार इसके लिए माइनस क्यू चार्ज के लिए विभव और फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए विभव की गणना करेंगे और फिर परिणामी विभव की गणना कर लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे v माइनस क्यू मतलब ऋण q आवेश के कारण विभव। तो फार्मूला है 1/4πε0 और q अपान दोनों के बीच की दूरी, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा ap, दैट इक्वल 1/4πε0। इसको माइनस क्यू लेंगे क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो यह हो जाएगा माइनस क्यू अपान ए पी का मान क्या हो जाएगा, ए से लेके पी तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, तो हो जाएगा आर प्लस ए रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपन प्लस के निकालेंगे तथा वी प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान बी पी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, ये दूरी है बी पी, दैट इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान बी पी का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r है और इसमें हम इतना माइनस कर देंगे तो हो जाएगा r माइनस a, ये रिलेशन नंबर टू। अब हम निकालेंगे इसका परिणामी विभव। क्लियर। इसलिए परिणामी विभव, इसलिए परिणामी विभव v बराबर v माइनस q प्लस v प्लस q दोनों का योग हो जाएगा, दैट इक्वल यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं या e प्लस q को पहले लिख देता हूँ और e माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इसका वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 q अपान r माइनस a और प्लस ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस q अपान r प्लस a। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, q अपान 4πε0 दोनों में से उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 q और अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ से 1/r-a, 1/r-a प्लस 1/r+a। क्लियर। आगे यहाँ तक समझ में, दैट इक्वल अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 q, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोनों के एलसीएम दोनों के गुणनफल के बराबर a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर यहाँ आर प्लस ए, आर प्लस ए और प्लस आर माइनस ए। क्लियर। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, ये माइनस क्यू का वैल्यू ये माइनस है, ये माइनस क्यू है तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस आर और प्लस ए।
ये हो जाएगा माइनस आर प्लस ए, दैट इक्वल 1/4πε0 q, यहाँ पर ये आर कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस ए 2a/r² - a² दैट इक्वल 1/4πε0 2qa क्या होता है p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, अपॉन r² - a² ये हो जाएगा परिणामी विभव, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, क्लियर, विभव की गणना। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति, सेकंड निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, जो उदासीन अक्ष होता है, उदासीन बिंदु से होकर जाने वाले पोजीशन, ये आपका रिपीट टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप एक बार पढ़ चुके हो, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैसे आप इसको उसी के बेस पर बना भी सकते थे। सेकंड निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब ये दो आवेश ए और बी, इनके बीच की दूरी को ही हम सपोज कर लिए 2a या 2l भी सपोज करते हैं, और ये ओ, ये हो गया इसका उदासीन अक्ष इस तरह से और ऐसा, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु है, दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इस दूरी को हमने क्या ले लिया, r ले लिया, ये बिंदु PA इस तरह से, और यहाँ पर प्लस q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस q आवेश। तो आसान है क्योंकि इसमें जीरो होता है, दो लाइन में सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए v प्लस q, तो 1/4πε0 q अपान, देखिए दोनों के बीच की दूरी ये दूरी है, इससे इससे बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा AP, ये होगा AP, रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से V माइनस Q इक्वल टू 1/4πε0 और ये माइनस Q अपान इनके बीच की दूरी, मतलब क्या है ये BP, रिलेशन नंबर सेकंड। इसलिए इसका जो परिणामी वो निकालेंगे V, तो V प्लस Q और प्लस V माइनस Q ये निकलेगा, दैट इक्वल, अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे 1/4πε0 q/AP और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/4πε0 q/BP। अब यहाँ पर फिगर में आप ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने के कोण यदि बराबर हो तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ पर हम बता देंगे AP क्या है, BP के बराबर है। अब आप दोनों राशि को देखिए, यदि ये AP BP के बराबर हो जाए तो बाकी राशि तो अपने आप पहले से बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र के लिए जो विभव होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर। ये होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का विभव। अब हम देखते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कभी भी पूछा जा सकता है, वह है सम विभव पृष्ठ। बहुत छोटा सा टॉपिक है 2 मार्क्स का, लेकिन आता एग्जाम में प्राय, सम विभव पृष्ठ और उसके गुण। सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से स्पष्ट है, सम विभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। सपोज मेरे पास कोई ऐसा आवेशित पिंड है जिसके किसी भी बिंदु पर यदि मैं विभव की गणना करूं तो समान निकले, तब हम उसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। ये वैसे हर गोलाकार पिंड जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। सपोज हमने इसको प्लस आवेश दिया हुआ है तो ये समविभव पृष्ठ है, इसे विद्युत बल रेखाएं ये बाहर निकल रही हैं इस तरह से, ये समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा विभव
जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और हमको पढ़ना है इसका गुण, इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे कभी भी एग्जाम में आएगा तो एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसके गुण लिखो। तो पहला गुण तो इसकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा देखो, जब इस बिंदु पर विभव इस बिंदु के विभव के बराबर है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर क्या होता है, जीरो, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का जब आप अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, तो विभवांतर जीरो होता है। तीसरा क्या है, चूंकि विभवांतर शून्य है और विभवांतर की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो यहाँ तो विभवांतर शून्य है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाता है, जीरो। मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाले जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दैट मीन्स फ्लक्स होते हैं, क्लियर। तो क्या इसका चौथा प्रॉपर्टी कहा जाएगा, समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं हमेशा अपने पृष्ठ पर क्या होती हैं, लंब होती हैं, पृष्ठ पर लंब होती हैं। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, और ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखे। तो ये सब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है आपका विभव का। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है धारिता, वो बड़ा पोर्शन है, और इसको आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ विभव का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।